जब ये असफल उसके सामने पहुंचेंगे हमें पता है किसने भेजो है तुम्हें। हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा नंदराज, आप यहां से जीवित इसलिए लौट कर जा पा रहे हैं क्योंकि मैं हिंसा का विरोधी हूं और मैं नहीं चाहता कि यशोदा को पता चले कि उसके लल्ला के प्राण बड़े संकट में। पर अब ध्यान रहे महाराज कि आप लल्ला के तो क्या कोकुल के भी निकट दिखाई दिए तो मैं वो कर बैठूंगा जो मैंने आज तक ना किया। मैं क्षमा प्रार्थी हूं महाराज। आप मौन क्यों हैं? कुछ कीजिए, ऐसा लग रहा है कि आपका ये अस्त्र भी असफल हो जाएगा। इतने दिन बीत गए हैं, अभी तक लौटा नहीं है, ना ही कोई सूचना भिजवाई है। सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर, इसके रक्त में पराजय है ही नहीं, क्योंकि वो शक्ति से नहीं छल से कार्य करता है। विष्णु जैसे छलिए के लिए सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर से अधिक उपयुक्त कोई हो ही नहीं सकता। महाराज, जिसे आप छलिया समझ रहे हैं महाराज, वो तो सृष्टि के रक्षक हैं, पालनहार हैं वो तो। मेरी बात मान लीजिए महाराज, उनके प्राण लेने का प्रण त्याग कर अपने मन के अंधकार के प्राण लीजिए, स्वीकार कर लीजिए उनकी कृपा। मस्तिष्क फिर गया है क्या? मस्तिष्क फिर नहीं गया है महाराज, बल्कि जीवन में पहली बार सही कार्य कर रहा है। और उनका सत्य आप भी जितना शीघ्र जान लेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। ऐसा सत्य यही कि गोकुल में पल रहे उस बालक के रूप में स्वयं विष्णु धरती पर आए हैं। यदि तुम ये सत्य जानते हो तो हत्या क्यों नहीं की उसकी? बड़े आत्मविश्वास से कहा था ना, प्राण ही ले लूं तो अब क्या हुआ? उनके प्राण कैसे ले लेता महाराज, जो स्वयं जीवन देने वाले, जैसे मुझे जीवन दिया। मैं रंगे हाथों पकड़ा गया था महाराज, किंतु बिना किसी दंड के सुरक्षित यहां तक आ गया। क्या यह प्रभु की कृपा से मिला हुआ नवजीवन नहीं है? ये आपके सामने आपके शत्रु का गुणगान किए जा रहा है और आप अभी भी मौन हैं। यदि वो जीवन देता है तो मैं जीवन लेता हूं। देरा!
अब तेरा जीवन लूंगा। यदि फिर से उसका बखान किया तो। महाराज, आपकी इस तलवार का भय अब मुझे सत्य कहने से नहीं रोक पाएगा। श्रीधर, इससे पहले मैं भूल जाऊं कि तू गुरु शुक्राचार्य का शिष्य है और मेरा पुराना मित्र है, चला जा यहां से। चला जा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप क्या करेंगे महाराज? आपकी ये चाल तो असफल हो गई। कैसे? कैसे असफल हुई मेरी ये चाल अस्ति? इसे विष्णु के अवतार का सत्य पता करने के लिए ही तो बुलाया था मैंने, और वो सत्य मेरे सामने है कि विष्णु का अवतार कौन है और कहां है। विष्णु, विष्णु, विष्णु। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने हमारे नीलमणि की रक्षा की, परंतु क्या होगा? हाँ, मुझे बताओ तो सही, कुछ तो अवश्य है जो आप छुपा रहे हो। आपको इससे पूर्व कभी ऐसी चिंता और क्रोध में तो ना देखो है मैंने? मुझे बताओ तो क्या बात है जो आपको ऐसे भीतर ही भीतर खाए जा रही है? जो भी है मैं संभाल लूंगा। बात को समझो यशोदा, मैं तुम्हें ना बता सकता। आप अपनी पत्नी को भी ना बता सकते? मैं अर्थांगी नहीं हूं आपकी, मुझसे तो साझा करो। हो सकता है आपका दुख चिंता आपकी पीड़ा बांट पाऊं मैं? बताओ तो क्या हुआ है? सब बात तुम्हें बताऊं जो आवश्यक ना है यशोदा। यशोदा, जब पति अपने मन का रहस्य अपनी पत्नी से भी साझा ना कर सके तो उनके एक दूसरे से बात करने का लाभ है क्या? ये तो गड़बड़ हो गई। अब जे आएंगे और अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे मनाने का प्रयत्न करेंगे। किंतु इस बार उनकी एक ना सुनूंगी मैं। हाँ यशोदा, 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 मेरी बात, मेरी बात तो सुनो यशोदा। तू क्यों मुस्कुरा रहे है? तेरी मैया को मनाना आता है मुझे, तू बस देख तो जा। वाह, इतनी शीघ्र हार मान गए।
क्यों मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि आपका क्रोध भी बड़ा मनोहर है मैया। देखियो लल्ला, इस बार तेरे बाबा बिल्कुल ना मना पाएंगे मुझे। हाँ। जे मथुरा से लेकर आयो, पहन कर दिखाओ ना। लल्ला मैं अभी आई हूँ। यशोदा, यशोदा देख तो लो। बाबा, वस्त्रों और आभूषणों से कुछ नहीं होने वाला। क्यों खिलखिला रहा है? मैं तो बस इसे संभाल कर रख। तू चुप कर लल्ला। देखा लल्ला, बस तेरी मैया मान नहीं वाली। उपहार मिल गया है, तू देखना कैसे मेरी पसंद का भोजन कराएगी। भोजन में स्वाद चाहिए तो मनाने का कोई और ढंग खोजना पड़ेगा। यशोदा, तीव्र भूख लगी है। अरे भाई शीघ्र खाना लगाओ। और हाँ, थोड़ा अच्छा सा चटपटा भोजन करा देना। देखना अच्छे अच्छे पकवान लेकर आएगी। सूखी रोटी और माखन। जो अपनी पत्नी को पूरी बात ना बताते उन्हें 56 भोग ना मिलता भोजन में। भले ही मनाने के लिए नए वस्त्र क्यों ना लाएं। हाँ नहीं तो वाह, ये सूखी रोटी और माखन में भी क्या स्वाद है। बस भोजन के साथ तुम ऐसी दो मीठी बातें कर लेती तो आनंद आ जाता। आनंद तो कछु पतियों को अपने पत्नियों से बातें छुपाने में भी बहुत आता है लल्ला। देख लल्ला, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो अपनी जीवन संगनी से सब कुछ बताइयो, कुछ भी छुपाइयो मत। तभी तो तू अच्छा पति कहलाएगा ना। ना तो रूखी सूखी मिलेगी खाने में। हाँ, अब तक तो चुप्पी साध कर बैठी थी, कम से कम ताना तुम्हारा। ये प्रसन्न होने की बात नहीं है बाबा, अब तक तो केवल बदली छाई थी। ये संकेत है कि अब बादल भी गरजेंगे और वर्षा भी होगी। यशोदा, कब तक बात ना करोगी? अब तो क्षमा कर दो। रानी भाभी आ जाओ। रानी भाभी, ज्योति जी के यहाँ से कोई आया था और जी मुझे कंठक पहके चलोगे। ओ, दे दो। नारायण भले करे। कंठक किस लिए? तुझ पर इतने संकट आ रहे हैं ना लल्ला, इसीलिए ज्योतिषी जी से कह के जो यंत्र वाला कंठक मंगवाया तेरे लिए। अब किसी और को तो तेरी चिंता है ना। बस क्या बतानो है क्या छुपानो है, यही चिंता रह गई है।
यशोदा चिंता मुझे भी, तभी तो बता ना पा रो कि हमारे लल्ला पर आने वाले संकटों के पीछे कोई और ना, स्वयं कंस। और उनका सत्य आप भी जितना शीघ्र जान लेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। गोकुल में पल रहे उस बालक के रूप में स्वयं विष्णु धरती पर आए हैं। स्वामी, लगता है रात्रि भर नींद नहीं आई है आपको। पूतना मारी गई, श्रीधर भी गया, केवल इसलिए कि आप देवकी और वसुदेव के समक्ष दुर्बल पड़ गए। संतानों के जन्म के लिए आपने उन दोनों को जीवित छोड़ दिया। आपसे छल करके वो दोनों आनंद में हैं, और आप सही से विश्राम तक नहीं कर पा रहे हैं। स्वामी, यदि आपके स्थान पर मैं होती ना, तो उन दोनों को ऐसा कठोर दंड देती कि उचित समय पर हंसती है। पहले मैं उन दोनों के उस मायावी बालक का वध करूंगा, फिर उन दोनों को अपने पैरों के तले कुचल दूंगा मैं। किंतु जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक उन्हें जीवित रहना होगा, क्योंकि उस शिशु विष्णु के विरुद्ध वो ये दोनों मेरा सुरक्षा कवच है। चिंता करो कंस मामा, आपका ध्यान अपने ऊपर से हटने दूंगा, तभी तो कुछ और सोच पाओगे। पुत्र होने का दायित्व मुझे दोनों के प्रति निभाना होगा, चाहे वो मुझे जन्म देने वाले माता पिता हो या मेरा लालन पालन करने वाले मैया और बाबा, जो इस समय युद्ध के लिए तैयार है। कम से कम मुझे बता तो देती ज्योतिषी से परामर्श ले रही हो, मैं ले चलता तुम्हें। सुन रहे लल्ला, इस संसार में सारा अपराध स्त्री का ही होता है। बात अपराध की ना है यशोदा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे अगर ये बात बताई होती। जान मुझ के ना बताई, तनिक आपको भी तो पता चले अपनों से कछु छुपाने पर कैसा लगता है। युद्ध तो घमासान होता जा रहा है, इसी कारण बस यदि मैंने कछु ना बताया तुमको तो क्या तुम उसका प्रतिशोध लोगी मुझसे? हे नारायण, ये क्या कहना चाहते हैं? क्या इतनी कठोर हूं मैं? लल्ला के लिए एक छोटा सा निर्णय तो लियो मैंने, अपने लल्ला पर क्या इतना भी अधिकार ना है मेरा? अब क्या हर बात पर अनुमति लेनी पड़ेगी मुझे? इससे पहले कि ये आंसुओं की वर्षा क्रोध की आंधी में बदल जाए, मुझे ही कुछ करना होगा। यशोदा, मैं, मेरे कहने का अर्थ, यशोदा बात तो सुनो। सुनने को बचो क्या है अब? आप बस कृपा करके मुझे उन सभी बातों की सूची दे दो जिन जिन के लिए मुझे आपसे आज्ञा लेनी है। उठना बैठना खाना पीना सब आपसे पूछ कर ही करूंगी अब। अरे आप बोलो तो क्या हुआ? देखो आपने, we'll be right back.
अपनी पहली करवट ले ली। बहुत सही समय पर ली है, हमारा झगड़ा भी समाप्त करवा दियो। यशोदा भाभी, तुम दोनों ने छठ भर की देरी कर दी, अभी अभी लल्ला ने पहली करवट ली है। हाय, सच्ची? अब भूला जानकी, तुम पूरे गोकुल में मिठाई बटो। गोकुल के राजकुमार ने आज पहली करवट ली है। हाँ। और यशोदा तुम? यशोदा? कौन था वो? कहाँ गया? कोई तो है यहाँ। ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? कोई तो था, किसी ने तो मुझे धक्का दिया है। ये संभव नहीं है महाराज, इस कक्ष की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि एक चींटी भी बिना सुरक्षा जांच के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। किंतु ऐसा हो सकता है जब वो विष्णु अपनी माया का प्रयोग करे। इस कार्य के लिए आपको किसी ऐसे का चुनाव करना होगा जो मायावी हो, जो अपनी इच्छा शक्तियों से कहीं भी आ जा सकता हो, जो कि इस वातावरण का, इस प्रकृति का हिस्सा लगे, जैसे कि कोई पशु पक्षी। हस्ती, कभी कभी तो मैं इस दुविधा में पड़ जाता हूं। जो तुम अधिक बुद्धिमान हो या कपटी? मैं जानता हूं कि अब मुझे किसे भेजना है, कौन है इस कार्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त। यशोदा, यशोदा, अवश्य ही पूरे गांव में ढिंढोरा पीट पीट कर बता रही होगी सबको। हे प्रभु, आज ना मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज मेरे लल्ला ने अपने बड़े होने का पहला संकेत दियो है, देखो ना आपने। हमारा झगड़ा अभी समाप्त ना हुआ है। तुमको अब भी बात ना करनी? मैया, अब मान भी जाओ ना। यशोदा, तुम जानती हो ना, मैं जो भी करता हूँ हम सबके भले के लिए करता हूँ। व्यर्थ कुछ ना छुपाता हूँ मैं, इतना तो भरोसा है ना अपने पति पर, है ना? पर फिर भी यदि तुम्हें लगता है कि मुझसे भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दो। जी क्या कर रहे हो आप? कान तो मुझे पकड़ना चाहिए, आवश्यकता से तने अधिक क्रोधित हो गई मैं। नहीं, मुझे पता है मुझसे अधिक मेरा भला बुरा जानते हो आप, मुझे समझना चाहिए ना। यदि आप मुझे कुछ ना बता रहे तो इसमें भी मेरा ही हित होगा। इसे देखो कितना प्रसन्न हो रहा है, और इससे भी प्रसन्न इसकी मैया है। पहले पता होता कि मेरे करवट लेने से आप दोनों का झगड़ा समाप्त हो जाएगा तो मैं पहले ही ले लेता। सुनो जी, मैं ना सुलक्षणा, सुमति और पूरे गोकुल को बता कर आती हूँ कि मेरे लल्ला ने करवट लेना सीख लियो है। फिर से पूरी महिला मंडली का सामना करना पड़ेगा। मैं जा रही। Thank you.
इस बार चुना है आपने असली योद्धा महाराज। खोदा पहाड़ और निकला कौआ, अवश्य ही आपके मस्तिष्क पर कोई गहरी क्षति पहुंची है महाराज। जो कार्य पूतना जैसी राक्षसी और सूक्ष्म बुद्धि जैसा कपटी न कर सका, वो ये नन्हा सा पक्षी कैसे कर पाएगा। नागासुर, बताओ क्या तुम में वो क्षमता, वो योग्यता है जो मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। आप आदेश तो दीजिए महाराज, ऐसा कोई कार्य नहीं जो कागासुर नहीं कर पाए। नंद के घर में जो शिशु है उसे मेरे पास लेकर आओ, किसी भी मूल्य पर। जो आज्ञा महाराज। तो शिशु के विषय में जान तो लो। जितना आपने बताया उतना ही पर्याप्त है महाराज। कागासुर है स्वामी, कंस अवश्य इसे गोकुल भेज रहा है ताकि वो हमारे पुत्र को हानि। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं। अब इधर हमारा झगड़ा बढ़ो और उधर लल्ला ने पलटना आरंभ कर दियो, फिर प्यारी सी किलकारी मारी और ऐसे करके पलट गो। क्षणमर को तो ऐसा लगो जैसे देखते ही रह गए। यशोदा जी अब तक 10वीं बार बता चुकी हो। अरे क्या बता चुकी है, मुझे ना बताएगी तो फिर से पूरी हरिकथा सुननी पड़ेगी। नारायण नारायण मौसी, आओ सुमति। कैसे हो नीलमणि? मैं उज्जवल, मित्रता करोगे? देखो मेरे पास हिरण भी है, घोड़ा भी है, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बनूंगा। ये तो सत्य है, तुम मेरे बहुत काम आओगे मित्र। उज्जवल लल्ला को ना सता, जा उधर जाके खेल। हाँ क्या हुआ जीजी, कैसे हुआ बताइए ना। आज ना लल्ला ने पहली बार करवट ली है। ठहरो यशोदा जी, बार बार बताने से अच्छा है नीलमणि से कहो एक बार फिर करवट लेके दिखाए। जे अच्छा सुझाव दिया है तूने लल्ला, करवट लेके दिखा। क्या हुआ बोलो ना लल्ला को, जे तुम्हारी बात थोड़ी ना टालेगो। लल्ला करवट लेके दिखाएगो ना सबको। देखो कैसा हंस रहे जे, अभी करवट लेगो। लल्ला शीघ्रता से करवट ले ले, चल। सब ऐसे देख रही है जैसे नटनटी का खेल देखने आई हो। नीलमणि चल मेरे कहने में करवट लेकर दिखा दे, मैं तो तुझे बहुत प्रिय हूँ ना। हाँ आप प्रिय तो हो,
पर शेष सब भी तो प्रिय हैं मुझे। बालक मेरी कही मानते हैं, नीलमणि भी मानेगो। क्यों लल्ला, मानेगो ना? लाने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य भाषा समझ आती है मुझे। जे किसे की ना सुनेगो, बस मेरी मानेगो। चल लल्ला पलट के दिखा। इतना अहंकार, अब तो बिल्कुल नहीं लूंगा करवट। बस एक बार अपनी मैया की कही मान ले। जे क्या कर रहे है, अपनी मैया की लाज ना रखेगो? यशोदा जीजी, लगता है लल्ला को समझ नहीं आ रहा कि हम सब उसको क्या करने के लिए कह रहे हैं। जी सही कही तूने, इसे करके दिखाना पड़ेगो। उज्जवल इधर आ। अच्छा अच्छा अच्छा, उज्जवल करवट लेके दिखा लल्ला को। अरे ताई जी, करवट? इतनी सी बात, कोई बड़ा कार्य करने को कहती आप? अरे करवट तो मैंने जन्म लेते ही सीख लिया था, कभी कभी तो ऐसी करवट लेता था कि पूरा गोकुल। बस बस बड़बोले, अभी बातें कम कर और करवट लेकर दिखा। अरे उज्जवल ऐसे ना, ऐसे ना, पूरा लेट जा, लेट जा। हाँ अब तू करवट लेके दिखा। देख लल्ला करवट लेके दिखा। उज्जवल अनिक फिर से करियो ऐसे। नीलमणि मैं तो तेरे संग खेलने आयो था, यहाँ तो व्यायाम करना पड़ रहा है। लल्ला चल वहां जाके खेल। यशोदा जी, आप नंदराज के साथ फिर से एक बार झगड़ लियो, क्या पता आप दोनों को झगड़ते देख नीलमणि फिर से करवट ले ले। ये भी बढ़िया सुझाव है तूने। सुनो जी। ना यशोदा, बोलना भी ना। अरे अरे, इन्हें आपस में कहाँ उलझा रही है, लड़ना झगड़ना तो तेरी कला है, क्यों री सुलक्षणा। कोई बात ना है जीजी, अब तो करवट बदलना आ गयो है इसे, फिर कभी देख लेंगे, है ना? हाँ हाँ चलो, पर फिर आएंगे। हाँ ठीक है जीजी ना, कोई ना जाएगा लल्ला का करवट देखे बिना। थोड़ा समय और रुक जाओ, कितनी देर करवट ना लेगो, ये शीघ्र ही लेगो। धनी को आप प्रतीक्षा कर लो, लेगो ना लल्ला करवट। तुम सबने बहुत सताया है मुझे, अब मेरी बारी है, ऐसे ही बैठी रहो और करो प्रतीक्षा। कस्तूरी कहाँ देख रही है, लल्ला को देख, नहीं तो जे करवट ले लेगो तू रह जाएगी। जानकी बैठ जा। इतनी भी क्या शीघ्रता है, भूख लगी है क्या? मैं कछु ले आती हूँ खाने को। किंतु कोई अपने स्थान से हिलेगा ना, और दृष्टि तो बिल्कुल ना हिलनी चाहिए, समझ आई? लो मैं तो इनको सता रहा था, उल्टा मैया पर ही आओ भगत का दायित्व पड़ गया। इससे तो अच्छा है मैं करवट ले ही लूं। ले रहे हो? देखो तुम सबने, कितना अद्भुत था ना। ना देखो? नहीं जी जी, हम सब फिर से चूक गए।
आओ कागासुर, अब सब मिलकर करेंगी तुम्हारा स्वागत। कैसा कागा है रे तू? तेरे कारण मेरी सहेलियां नीलमणि का करवट ना देख पाई। अभी आना था तुझे? खैर, अभी बताती हूँ तुझे। ठहरिए, हमें कौओं का अपमान ना करना चाहिए। हमारे पूर्वजों के प्रतिनिधि होते हैं जी, अपितु हमें तो इनका सत्कार करना चाहिए ताकि शनि की वक्र दृष्टि हम पर कभी ना पड़े। क्षमा करना कागा महाराज। कागा महाराज नहीं मैया, कागा सुर है ये। जइयो मतीना, मैं अभी आपके लिए दही चावल लेके आई। तो ये है वो। क्षमा करना कागा महाराज, चलो भोजन कर लो। हाँ हाँ कागा महाराज, खा लो। नहीं तो जैसे लल्ला की करवट लिए बिना हम यहाँ से नहीं जा पा रहे, वैसे ही जशोदा जी आपको ये खाए बिना यहाँ से जाने ना देगी। तुम कहना क्या चाहती हो सुलक्षणा? हट करती हूँ मैं, बिल्कुल ना, है कि ना? हाँ 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 जी, हाँ। हम सबसे कोपित हो गए कागा महाराज, सब विनती करो जे खा ले। थोड़ा सा तो खा लो। कैसे खाऊं ये घास फूस, केवल कोमल मांस खाता हूँ मैं। सेवा ही करनी है तो वो लेकर आओ। हाल हो ना काग महाराज, कहीं हम पे शनिदेव की वक्र दृष्टि ना पड़ जाए। शनि की दृष्टि पड़े ना पड़े, मेरी दृष्टि पड़ चुकी है उस पर जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब कितनी प्रार्थना करवाओगे कागा महाराज, खा भी लो। ये सब तो पीछे ही पड़ गई, इनसे मुक्ति पानी है तो खाना ही पड़ेगा। ये तो बस आरंभ है कागासुर, तुम्हारा असली स्वागत तो मैं करूँगा। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। कागा महाराज ने खा लो। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद, ये अब हम यहाँ से जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, हो गया महाराज, आज का आतिथ्य बहुत हो गया, अब कल आइयो। अरे सब, अरे सुनो तो सब, यशोदा मैं तनिक गांव की व्यवस्था देख कर आता हूँ। ठीक है जी, जाओ। आज बहुत नखरे दिखाए तूने लल्ला, किंतु प्रतिदिन ऐसा ना चलेगा, अपनी मैया की कहीं माननी पड़ेगी, समझ आई? कछुआ दी कढ़ाई तो ना कर रही मैं। अच्छा ठीक है, थोड़ी बहुत शैतानी कर लियो। आज मेरे लल्ला ने करवट ली है, फिर बैठना सीखेगो, फिर चलना दौड़ना, फिर खेलना भी सीखेगो। नए नए मित्र बनेंगे, इन सब में अपनी मैया को भूल तो ना जाएगो, बोल। इतनी बात करती है ये, और वो भी ऐसे जैसे बालक को सब समझ में आ रहा हो। माँ की हर बात संतान को बहुत अच्छी तरह समझ में आती है कागासुर, पर ये तुम नहीं समझोगे। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
ये कैसी ध्वनि है? कौन है रसोई में? उज्ज्वल, ये सब तूने करो है? ना ताई जी, ना ना ताई जी, मैं सच्ची कह रहा हूँ, वो कौवा था, पुरुष और कौवा। चुप, मैं सब समझ रही हूँ, बहाने बना रहा है ना? ये क्या गति कर दी मेरे रसोई की? अवश्य कछु खाने के लिए ढूंढ रहा होगा, है ना? ना ना ताई जी, चले आगे से ऐसा मती ना करियो, समझा? अब जा, लल्ला का ध्यान रखना। चिप, मुंह पोछ, जा मुंह पोछ, जे आएंगे तो तुझे घर छोड़ाएंगे, जा। सब समेटना पड़ेगा। कुछ और गिराना शेष रह गया है? तू जा नहीं तो। कौवा पुरुष, कौवा पुरुष, जे आजकल के बालक। मैया है सुमति, और ची संकरी मौसी, ची कैसी दादी है? ने बालक को ही भूल गई। अरे मैं श्वास लेना भूल जाऊं किंतु अपने लल्ला को ना भूलूं?